भारत में मंदिर मस्जिद से जुड़ा विवाद नया नहीं है। भले ही अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद थम गया हो, लेकिन यह वाराणसी, मथुरा और अब आगरा में भी जारी है। इन दिनों तीनों विवाद के लिए आज का दिन अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, वाराणसी में जहां ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने को लेकर दायर याचिका पर फैसला आना है, तो वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में प्रयागराज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उधर ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है। वाराणसी के स्थानीय कोर्ट ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी फैसला बाकी है। साथ ही कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे कब होगा, इस पर कब फैसला सुना सकती है, ये अभी साफ नहीं हुआ है। तीन दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी की रोजा पूजा का अधिकार मांगा था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद ज्ञान व्यापी के सर्वे का आदेश दिया था, साथ ही एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की थी, लेकिन सर्वे के दौरान ज्ञान व्यापी मस्जिद में हंगामा हो गया, इसके बाद वहां सर्वे नहीं हो पाया। आगे आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई होगी। यह सुनवाई हिंदू पक्षकार की ओर से दाखिल याचिका पर होगी। इस याचिका में मामले की रोजाना सुनवाई करने की मांग की गई है, ताकि मथुरा की जिला अदालत में इस मामले से जुड़े सभी पेंडिंग केसों का निस्तारण हो सके। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर भी सुनवाई होगी। यह याचिका बीजेपी नेता रजनी सिंह ने दायर की है। उन्होंने मांग की है कि कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये कमरे खोलने के आदेश दे, ताकि वहां हिंदू मूर्तियों और शास्त्रों के अस्तित्व का पता लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।